Hello student, today I'm teaching you social science for class 8th and now I'll revise each and every chapter right from the beginning. So it is your first chapter of your history, name, where, when and how. So in India, the modern period begins with the establishment of British rule under East India Company. तो हमारा जो modern period start हुआ है वो Britishes के under हुआ था, जिसमें East India Company हमारे country में आई थी. So with the establishment of the British rule, several major changes and developments took place in the political, economical, social, cultural life of India. तो Britishes as they enter in our country, they change in many of the sectors, like politically, economically, socially, culturally. Okay, now we will talk about the major developments. So with the coming of the British, new system of administration, laws and revenue collections were introduced in India. तो जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, एक न्यू सिस्टम हमारे कंट्री का बना, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जिसमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सबसे मेन था. द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू कंसाइल इंडिया, टू कंट्रोल इंडिया मार्केट्स एंड टू ड्रेन अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया. तो ब्रिटिशर्स का मेन जो मोटो था वो था इंडिया से जितना भी रिसोर्स है उसको अपनी कंट्री में ले जाना, ठीक है. ब्रिटिश रूल लेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पीसेंट्स, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन एंड रून द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ब्रिटिशर्स के रूल में ब्रिटिशर्स हैज लॉट ऑफ एक्सप्लोटेशन इन्होंने स्टार्ट किया, पीसेंट्स का, आर्टिशंस का, क्राफ्टमैन का, हैंडीक्राफ्ट्स का, ठीक है. सो नेचुरली द इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कॉलोनियल ऑपरेशंस, leading to sporadic incidents of localized violence and finally the mass revolt in 1857. ठीक है. तो जो जनरल पीपल थे उन्होंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि रियली में जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन करते हैं. तो इसीलिए 1857 में मास रिवॉल्ट हुआ, जिसको क्रांति कहा जाता है. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया विटनेस्ड न्यूमरस सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. और ब्रिटिश रूल में अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत से सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए. द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट लेफ्ट द आउटमोस्ट मार्क ऑन द इंटेलिजेंसली. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ नंबर ऑफ मेजर सोशल लेजिस्लेशन वर पास टू प्रिवेंट चाइल्ड मेजर सती एंड फीमेल इंसेक्टिसाइड्स. तो कुछ ऐसी हमारी सामाजिक बुराइयाँ भी थी जिनको खत्म किया गया. लॉज वर पास टू इम्पोज द कंडीशन ऑफ द विडोज एंड इम्पार्ट एजुकेशन टू वुमेन. लॉज बनाए गए ताकि जो विडोज हैं और जो अनएजुकेटेड वुमेन्स हैं उनके लाइफ को इम्प्रूव किया जाए. इंडियन रिफॉर्मर्स लेड मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम. तो इंडिया उस टाइम पे कास्ट सिस्टम जो एक मेन था उससे घिरी थी, तो वो भी हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा उससे छुटकारा मिला, ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा लॉ बनाया जिसकी वजह से ये जो पुरानी प्रथाएं थी ये धीरे धीरे ख़त्म होती गई. सो इन द 19th सेंचुरी व्हेन द ब्रिटिश हिस्टोरियन रोट अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दे फोकस्ड ऑन द गवर्नर जनरल एंड द पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स. तो 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में लिखा, तो उन्होंने यहाँ पे फोकस किया गवर्नर और जनरल की पॉलिसीज़ और उनके अचीवमेंट्स को. बट एट प्रेजेंट देर इज़ अ चेंज इन फोकस टुवर्ड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन इंडिया, ठीक है. उसके बाद सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली ऐसे बहुत से चेंजेस हुए जो कि ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया से अडॉप्ट किए, ठीक है. सो British rule gave rise to colonial cities like Bombay, Kolkata, Madras, Mumbai, Kolkata and Chennai respectively. Now the hilly stations of India were developed during this period.
तो इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी सिटीज़ थी वो सेट करी, और जो हिली एरियाज़ हैं स्पेशली ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इधर काफ़ी डेवलपमेंट किया। द मोस्ट डायनेमिक एंड चैलेंजिंग एसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वॉज द सागा ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वेयर अ वाइड नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रिवोल्यूशनरीज द पीसेंट्स एंड द ट्रिबल ग्रुप्स चैलेंज द ब्रिटिश रूल फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, पीसेंट्स थे, ट्रिबल ग्रुप्स थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे अगर वो अपोज होते थे तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट गेव रेज टू मैनी डायनेमिक लीडर्स हुज लेगेसी स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। तो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुए थे उसमें डिफरेंट जो लीडर्स थे उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए देर आर सो मेनी वेज दे अडोप्टेड एंड स्टिल पीपल्स आर लर्निंग दोज वेज। सो लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अब्दुल जफर खान, सरदार पटेल एंड न्यूमरस अदर पोर्ट्रेट्स हैव फेल्ट लेफ्ट देयर फुटप्रिंट्स ऑन द ग्लोरियस पाथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये जो डिफरेंट जो हमारे लीडर्स थे इन्होंने अपना ट्रमेंडस वर्क किया, ट्रमेंडस रोल प्ले किया, जिसकी वजह से नाउ वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। देन कॉलोनियल पीरियड। सो मैनी हिस्टोरियन रिफर्स टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एज द कॉलोनियल पीरियड। सो दिस इज बिकॉज इंडिया वॉज अ विक्टिम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनियल पीरियड का मतलब है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी कॉलोनी बनाए थे और जिनकी वजह से वो हमारे ऊपर डोमिनेंस और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। सो दिस पीरियड एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अप टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो दिस पीरियड टेल्स अस हाउ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोल ओवर इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ इंडियाज कल्चर एंड सोसाइटी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल एक्सक्लूडिंग अ फ्यू। तो ये जो कॉलोनियल पीरियड था इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह इंडिया का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो टोटली ब्रिटिशर्स के हाथ में था। सो दिस वॉज अ डायनेमिक पीरियड ऑल्सो इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज ड्यूरिंग दिस पीरियड इवेंट लाइक रशियन रिवॉल्यूशनरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टूक प्लेस। ओके, सो दिस मच इज अबाउट this chapter. In next video I'll explain you source of information. So thank you and have a nice day.